अच्छा जी माशाल्लाह, यहाँ भी फीमेल बैठी हुई है, माशाल्लाह इसकी भी हैचिंग स्टार्ट हो रही है, दो बच्चे निकले हुए। अभी से पिछले क्लच में पांच बच्चे दिए जिसमें से चार क्रिमिनो थे, एक अल्बानो रेड एस था। फिशर का पेयर है ये, और ये आपके पास इसके साथ बच्चे ना हो उनके लिए स्किन बायोटिक। अच्छा जी, यहाँ पे चार ग्राम जाएगा इसके अंदर। ये अपना कंफर्म है कि ये अगर ब्लूटूथ निकल गया तो ये पेल पेलो से निकला हुआ है। इसका मेल बोर है, इसका मेल मैंने किया, ये तीन बच्चे अकेले माशाल्लाह पाल रही है, क्रिमिनो की फीमेल है। मोबाइल नंबर है मेरा 03126767775। लोकेशन है गुलशन सिकंदराबाद, उमर फारूक रोड, केमाड़ी, कराची। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं आदिल भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ और आदिल भाई ने अपने सेटअप पे माशाल्लाह लव बर्ड की म्यूटेशंस लगाई हुई है। इनसे पूछते हैं कौन कौन सी म्यूटेशंस है और इनके पास कैसी ब्रीड आ रही है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम अरसलान भाई, क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले आदिल भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह से आपकी एक साल तकरीबन पहले वीडियो मैंने बनाई थी, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? तो उससे तो माशाल्लाह लोगों ने मजीद बहुत सारा प्यार दिया, खासकर आपके व्यूअर्स ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और स्पेशली सपोर्ट भी मुझे उन लोगों ने बहुत किया। सही, तो जो बर्ड्स वगैरह सेल के लिए थे माशाल्लाह, तो वो भी सेल हो गए थे आप? तकरीबन वो भी सेल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही, तो अभी बताएं सीजन स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से, ब्रीड वगैरह कैसी आ रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस साल बहुत मुतमईन हूँ पहले क्लच से, तकरीबन 95% फर्टिलिटी भी आई है। पहले पहले क्लच के यंग बच्चे थे, जवान हो गए और माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी जा रही है बच्चों की। सही, तो सबसे पहले बताएं अपने सेटअप में आपने कौन कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं? अल्बाइनो ब्लैक आई चले के पार ब्लू प्लान पेल पेलो तक है। अच्छा, डन फेलो तक नहीं लगाया? नहीं, डन फेलो नहीं लगाया फिलहाल। तो सारे बर्ड ब्रीड कर रहे हैं आपके पास? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन सारे बर्ड की ब्रीड कर रहे हैं, 95% बर्ड ब्रीड कर रहे हैं। सही, अच्छा अभी आपको इनकी मैं प्रोग्रेस वगैरह दिखाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह जब मैं इनके सेटअप पर आता हूँ तो ये कि बिल्कुल साफ सुथरा सेटअप है, केजेस वगैरह साफ है और जो इनका पूरा मास्टर केज आप कहने जो रूम बना है वो बिल्कुल क्लीन है। और ये भी बताते हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम जो इनके अपने बर्ड्स में वाटर यूज़ करवाते हैं वो एक नॉर्मल जो घर पर पानी आ रहा होता है वो यूज़ करवाते हैं, तो उस दौरान जो इनके चिप्स वगैरह एक्सपायर होने लग गए थे। जी हाँ, लास्ट टाइम मुझे कुछ पानी की वजह से मसला आया था, बर्ड को कुछ लीवर डैमेज हुआ था, तो उससे तकरीबन कोई 15 के करीब चिक जो थे एक्सपायर हो गए, तो मैंने फौरन सा पानी चेंज कर दिया, नेस्ले का पानी अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये अपने पूरे जितने भी इनके पास बर्ड है सबको प्रॉपर नेस्ले का पानी यूज़ करवाते हैं। लास्ट टाइम जो कह रहे थे कि नॉर्मल जो घर का पानी यूज़ करवाते उसमें चिक्स वगैरह एक्सपायर होने लग गए। जी हाँ, पानी में कुछ मसला आया था तो वो बर्ड के लीवर डैमेज हो गए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं मोहम्मद अवेज लियाज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो मेरे उस्ताद है, उन्होंने मुझे कहा कि फौरन पानी चेंज करे, तो मैंने पानी चेंज किया, तो माशाल्लाह तकरीबन कोई 7-8 दिन के अंदर रिकवरी हो गई सब बर्ड की। सही, तो चले गाइस आपको इनका सेटअप विजिट करवा दें। तो आदिल भाई, अगर अभी हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे कोई बर्ड्स वगैरह लेने हो तो किस तरीके कौन कौन से बर्ड्स मिल जाएंगे? अल्बाइनो ब्लैक आइज से लेके पार ब्लू प्लैंड टेल पेल हो, तो कोई ब्लू प्लैंड टेल पेल हो गए, क्रिमिनो हो गए, डेकिनो हो गए, अल्बाइनो रेड आइज हो गए, पेस्टलिनो हो गए, पार ब्लू हो गए, ये तमाम के तमाम बर्ड्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। चेक सारे सेल्फ हो चुके हैं? जी सेल्फ हो गए बच्चे। जी तकरीबन सेल्फ हो गए। तो आदिल अपनी लोकेशन और नंबर आप बताएं, फिर आपका सेटअप विजिट करवाते हैं। मोबाइल नंबर है मेरा 03126767775। लोकेशन है गुलशन सिकंदराबाद, उमर फारूक रोड, केमाड़ी, कराची। ठीक है, तो चले गए इनका सेटअप का पहले आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, बाकी दिखाते हैं इनके पास ब्रीड कैसी आ रही है। तो गाइस ये आदिल भाई का सेटअप का मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। आदिल भाई यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए आपने? यहाँ पे तकरीबन ये सारे जो पॉसिबल ब्लूटू है, अल्बाइनो रेड आई ब्लैक आई, तो उनमें से दो ब्लूटू कन्फर्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी बच्चे हैच हो रहे कुछ के एग्स वगैरह, और यहाँ पे पार ब्लू ओपलैंड स्प्लिट पेल फेलो के कुछ चेक्स वगैरह मौजूद है, ये सारे फोस्टर पेयर है, ये पॉसिबल ब्लूटूथ है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम आते तो यहाँ पे सारे कौन से पेड़ आपने लगाए? यहाँ पे सारे कमर्शियल है, डेकिनो हो गए, क्रिमिनो हो गए, अल्बाइनो रेड आइज ब्लैक आइज वगैरह, यहाँ पे सारे कमर्शियल बस। ठीक है, चलिए सबसे पहले रूम से स्टार्ट करते हैं, रूम में आपने क्या क्या लगाया हुआ? रूम में भी यही तकरीबन कमर्शियल बर्ड थे। अच्छा, कमर्शियल बर्ड यहाँ पे लगाए हुए? ये पार ब्लू ओपलैंड पेल फेल हो गया, अपना ब्लू ओपलैंड पेल फेल हो गया, ये इनका बर्ड रूम है माशाल्लाह से। टोटल वैसे कितने पेड़ से आप ब्रीड करवा रहे हैं? तकरीबन 100+ है, 115 पेड़ से, 115 पेड़ है। ठीक है, जो फॉस्टर पेड़ है वो मिलाकर? फॉस्टर पेड़ मिला के तकरीबन 118 पेड़ बनते हैं। फॉस्टर पेड़ अराउंड कोई 8-10 पेड़ होंगे, फॉस्टर ज्यादा नहीं है। फॉस्टर मैंने इसलिए रखे हुए क्योंकि माशाल्लाह मेरे जो बच्चों की एवरेज है वो 5-5, 4-4, 5-5 है, तो वो मुझे थोड़ा सा बच्चों घुमाने में आसानी होती है ताकि ग्रोथ बच्चों का सेम आए। सही, तो चलिए सबसे पहले प्रोग्रेस आप दिखाएं। ये कौन से बर्ड्स प्रोग्रेस दिखा रहे हैं? अल्बाइनो रेड आइज रेड टू रेड लगा हुआ है जिसके माशाल्लाह ये पांच बच्चे सेल्फ होने वाले। अच्छा जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो ये पांच बच्चे माशाल्लाह अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई का पेयर लगा हुआ है और इसके चिप्स आप देखें माशाल्लाह सेल्फ के करीब है बच्चे। ये आप बच्चों की साइज चेक करें, बच्चों की ग्रोथ वगैरह साइज वगैरह आप चेक करें बच्चों की माशाल्लाह से।
ये अभी सेल्फ होने वाली है, बच्चों के साथ आप चेक करें। यहाँ पे माशाल्लाह से कितने बच्चे निकले हुए? पांच बच्चे निकले हुए। अल्बाइनो रेड ए का पेयर है। सारे के सारे बच्चे इसके अपने? नहीं, एक बच्चा इसको मैंने फोस्टर किया हुआ, चार बच्चे इसके अपने। माशाल्लाह का साइज आप चेक करें, अल्बाइनो का ये पेयर लगा हुआ है। इसके साथ और कौन से पेयर आप दिखा रहे हैं? और ये कुछ पेयर वगैरह, ये रेड टू रेड लगा हुआ, एक क्रीमिनो होगा और अल्बाइनो रेड आए होगा। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे ब्रीड आई हुई है। यहाँ पे माशाल्लाह चार बच्चे यहाँ पे मौजूद है, चार बच्चे आए हैं माशाल्लाह से, और एक मैंने फोस्टर कर दिया। यहाँ पे ये रहे, एक यहाँ पे माशाल्लाह से यहाँ भी जो है बच्चे निकले हुए, चार बच्चे अल्बाइनो है और क्रीमिनो है, डेकिनो है जी। ये पेयर कौन सा लगा हुआ है? ये अल्बाइनो रेड आइज लगा हुआ है, और अपना अल्बाइनो ब्लैक आइज है, स्प्लिट रेड आइज है, और क्रीमिनो लगा हुआ है, क्रीमिनो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी आदिल भाई, यहाँ पे कौन सा पेयर आप दिखा रहे हैं? यहाँ पे क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइज का पेयर लगा हुआ है। अच्छा, क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइज का पेयर लगा हुआ, माशाल्लाह इसके भी जो है चार से पाँच बच्चे निकले हुए जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी फर्स्ट क्लास ले रहे हैं आप? जी फर्स्ट क्लास है सारे, तमाम के तमाम। अच्छा जी, माशाल्लाह आदिल भाई के पास जो फर्स्ट क्लच आ रहा है, कुछ बच्चे सेल्फ पे करीब हैं, कुछ बच्चे की अभी हैचिंग हुई है, और कुछ पेयर जो है सेकंड ब्रीड कर रहे हैं। आपको जो है प्रोग्रेस दिखाते हैं माशाल्लाह इनके पास, कैसी प्रोग्रेस आ रही है। यहाँ पे रेड टू रेड लगा हुआ है, क्रीमिनो टू अल्बाइनो, माशाल्लाह क्रीमिनो टू अल्बाइनो लगा हुआ है, और यहाँ पर भी जो है तीन बच्चे निकले हुए, तीन बच्चे चार बच्चे होंगे यहाँ पे। हाँ, चार बच्चे हैं, चार बच्चे यहाँ पे, एक बच्चा मैंने इसको फोस्टर कर दिया, पांच बच्चे टोटल इसके आए, पांच बच्चे माशाल्लाह इसके टोटल निकले, और ये चार बच्चे जो है पेयर ये पाल रहे हैं, फीड करवा रहे हैं अच्छी माशाल्लाह ये। अच्छा जी, यहाँ पर एक और पेयर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क्रीमिनो मुझे नजर आ रहा है, इसके साथ आपने अल्बाइनो लगाया हुआ है, क्रीमिनो टू क्रीमिनो का पेयर। अच्छा, क्रीमिनो टू क्रीमिनो, माशाल्लाह ये इसका दूसरा साल है, इसने भी से पिछले क्लच में पांच बच्चे दिए, जिसमें से चार क्रीमिनो थे, एक अल्बाइनो रेड आइज था, उनको हम लोगों ने पोस्टर कर दिया, इसने दोबारा एग लेंग कर दिया माशाल्लाह, वापस से एग दे दिए। फीमेल आप देख सकते हैं एग को जो है इंक्यूबेट कर रही है। अच्छा, लास्ट टाइम अभी आपके पास ब्लू टू कन्फर्म है, वो भी इसी का बच्चा था मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम तकरीबन ब्लू टू कन्फर्म नहीं हुआ, इस साल ब्लू टू कन्फर्म हो गए, दो ब्लू टू कन्फर्म। लास्ट टाइम जो आपने रोके थे वो इन्हीं पेयर से निकले हुए थे? लास्ट टाइम मेरे पास इन्हीं के थे, तकरीबन कोई दो थे, उनमें से ब्लू टू कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह दो ब्लू टू कन्फर्म हो गए, और तकरीबन कोई 10 के करीब अभी इंशाल्लाह उसका टेस्ट ब्रीड चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, पेल फेलो दिखाया, पेल फेलो वगैरह में क्या लगाया है? ये पेल फेलो है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक मेल के साथ मैं दो फीमेल चला रहा हूँ, तो जैसे इसने अभी एक वगैरह दिए तो वो मैंने फोस्टर कर दिए। अच्छा, वो पेल फेलो का पेयर है, इसके एग दिए जिसने फोस्टर कर दिए, फोस्टर कर दिए। ये पेयर क्या लगा भाई? ये पार ब्लू ओपलैंड स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट की फीमेल है। अच्छा जी, ये आपको दिखा दें, पार ब्लू ऑपलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट की फीमेल है। अच्छा, इसके साथ आपने मेल क्या लगाया था? इसके साथ मैंने लगाया हुआ था पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट का मेल लगाया हुआ था। अच्छा, अभी माशाल्लाह तो वापस से एक्स पर है ये जी, माशाल्लाह उसके ये रहे एक्स वगैरह आ गए, तो ये जैसे ही ये एक्स कंप्लीट कर देंगे तो इस मेल को हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। इसके साथ ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल लगी हुई है, इसका जो पहला अंडा आ चुका है जी, और विजुअल माशाल्लाह से पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो का ही मेल है, स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है, स्प्लिट डाइल्यूट भी है माशाल्लाह। यहाँ पे एक और माशाल्लाह से पेल फेलो का पेड़ लगा हुआ है, ये ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो, उसके साथ लगा हुआ है पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है, तो ये फर्स्ट ब्रीड करेगा ये पेयर जी, ये फर्स्ट ब्रीड करेगा। अच्छा जी, माशाल्लाह हमें फर्स्ट ब्रीड ये पेयर करेगा, ये माशाल्लाह इसका ब्रीड आया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने पार ब्लू ऑफलाइन के साथ अल्बाइनो लगाया हुआ है? नहीं, ये अल्बाइनो नहीं है, ये अपना कंफर्म है कि ये अगर ब्लू टू निकल गया तो ये पेल फेलो से निकला हुआ है। अच्छा, इसकी रंग मेरे से ब्लू ब्लू हो रही है, वैसे तो अल्बाइनो लग रहा है लेकिन लाइट कलर के अंदर पेल फेलो हुई है, ठीक है ठीक है। इसलिए आपने जो इसको पार्ट इसका भी ब्रीड आया हुआ था वो मैंने फोस्टर कर दिया, 7/12/2023 को आया, मैंने 19 नंबर केज में इसका फोस्टर कर दिया। इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ था पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो का मेल लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ ये मिस्टी कलर का है, ये पॉसिबल ब्लू टू की फीमेल है। अच्छा, इसकी भी अभी टेस्ट ब्रीड आप ले रहे हैं जी, ये इसका सेकंड क्लच अभी आएगा, पहला क्लच पोस्टर कर दिया, ठीक है माशाल्लाह। ये पेल फेलो की वर्किंग का पेयर लगा हुआ है जी, तो अभी आपको मदे का पेयर एक ये भी दिखा देता हूँ, इनके भी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्रेस आया हुआ है। मेरे पास जितने भी आप यहाँ पे तमाम के तमाम पेयर लगे हुए उनका
चार पाँच बच्चों की एवरेज है। हाँ माशाल्लाह से वो मेरे को ब्रीड देखे। हाँ माशाल्लाह ये सेल्फ के करीब है बच्चे। ये सेल्फ के करीब है। इसमें कितने पांच बच्चे निकले हुए? जी इसमें से चार बच्चे निकले हुए, पांच बच्चे जी। माशाल्लाह से और बच्चे डेकिनो क्रिमिनो अल्बाइनो जी। और किसी दोस्त को भी चाहिए हो डेकिनो क्रिमिनो अल्बाइनो वो आदिल भाई से मिल जाएंगे। सेल्फ अभी तकरीबन कुछ टाइम में हो जाएंगे बच्चे? जी तकरीबन कोई अगर ये सेल्फ भी हो गए तो मैं कम से कम 5 से 6 दिन अपने पास रखूंगा ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके बाद मैं आगे कस्टमर को डिलीवर करूँगा। सही। तो कुछ प्रोग्रेस ये भी रहे, ये इनके इन्हीं के बच्चे, ये एक क्रिमिनो ये रहे, ये दूसरा क्रिमिनो है माशाल्लाह। ये ग्रीन ओपलाइन पेल सेलो का बच्चा है, ये पोस्टर किया हुआ है मैंने, जैसा पिछले साल पैर लगा हुआ था ये ग्रीन ओपलाइन पेल सेलो का। और ये भी इन्हीं का ही बच्चा है। अच्छा ये भी कि मतलब क्रिमिनो अल्बाइनो होगा? जी दो क्रिमिनो कंफर्म हो गए इसमें से। सही। बाकी कुछ इसमें से बच्चे वगैरह ये माशाल्लाह एक बच्चा ये रहे। अच्छा आपने मार्कर से निशान लगाया था बच्चों को? जी ये दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, ये माशाल्लाह अच्छा जी माशाल्लाह। लेकिन इनके बाद जो है काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें यूज़ करवाते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह है या सॉफ्ट फूड वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा। अब और कौन सा पैर आप दिखा रहे हैं? आपको ये पैर भी दिखा रहे थे, इसके भी माशाल्लाह बच्चे आए हुए, चार बच्चे इसके माशाल्लाह से यहाँ भी जो है चार बच्चे निकले हुए। अल्बाइनो रेड आइज, क्रिमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो ब्लैक आइज, स्प्लिट रेड आइज, चार बच्चे इसके आए। चार बच्चे। अच्छा आदिल भाई भी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि उस टाइम पहले आपका मैंने अभी सॉफ्ट फूड के बर्तन वगैरह देखे और दाना देखा, तो अभी आप कह रहे थे मैंने अभी तक सुबह से डाला नहीं दाना वगैरह, अभी मैं डालूंगा, तो डेली अब इतने बजे जो है दाना पानी चेंज करते हैं? मैंने जब से परिंदे रखे मेरा यही रूटीन है, 5 बजे में तो फूड डालता हूँ और 6 बजे दाना इनको मिल जाते हैं। तो ठीक है अभी सुबह से कुछ इन्होंने नहीं दिया अपने बर्ड को, सॉफ्ट फूड अभी लगेगा, दाना भी अभी लगेगा। और सॉफ्ट फूड में 2 घंटे बाद रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बॉइल्ड एग होते हैं ना, तो उसके फंगस होने का चांसेस लग सकते हैं बर्ड को। सही। तो जो इस टाइम अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं बर्ड की ग्रोथ वगैरह अच्छी है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड की ग्रोथ अच्छी आ रही है, वो तकरीबन कोई आधे घंटे में खत्म कर देते हैं तमाम सॉफ्ट फूड। अच्छा। और जो बच्चों को फीड खिला रहे हैं मैं बच्चों को चेक भी करता हूँ, जो मैं तकरीबन डे 1 से लेकर अभी तक खाली ग्रीन में गाजर और पालक खिला रहा हूँ, तो बच्चों का पूरा कोटा ग्रीन होता है। अच्छा माशाल्लाह ये अच्छी फीड करवा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको जितने भी यहाँ पे तमाम के तमाम पेयर प्लस है, ये फर्स्ट क्लच के मैंने इसमें बहुत काम किया सलान भाई। असल में मैं गया था लाहौर अपने उस्ताद के पास ना, मोहम्मद अवेद भाई के पास में गया था, तो उन्होंने मुझे 4 बंदों से बर्ड कलेक्ट करके दिए, लेकिन पेरेंट्स मुझे बता के दिए, तो इनके जितने भी तमाम के तमाम पीछे पेरेंट्स थे उन्होंने माशाल्लाह 4-5 बच्चों की उनकी भी एवरेज है, तो मैंने कुछ 2-3 रुपये बर्ड महंगे खरीदे, लेकिन मैंने अच्छे ब्लड लाइन के खरीदे। अभी मुझे यकीन हो गया कि ब्लड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे बर्ड खरीदोगे तो आपके पास जब पीछे आप बच्चे अच्छे खरीदोगे तो आपके पास पीछे प्रोग्रेस अच्छी आएगी, तो ये जरूरी है। माशाल्लाह से रिजल्ट आपके सामने, आपके इस रूम के सारे बर्ड आपने दिखा दिए जी, अभी बाहर के बाकी है माशाल्लाह, बाहर चलते हैं आ जाए जी। आदिल भाई हाँ जी अरसलान भाई, लोग कहते हैं कि रेडाई बच्चे वगैरह नहीं पालते, तो मैं आज आपको सबूत के तौर पे दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह मेरी क्रिमिनो की अकेली फीमेल बच्चे पाल रही है। अच्छा माशाल्लाह से यहाँ पे, अच्छा इसका मेल आपने क्या दूसरी जगह बीट पे लिया हुआ? ये इसका मेल बोर है, इसका मेल मैंने, ये 3 बच्चे अकेले माशाल्लाह पाल रही है, क्रिमिनो की फीमेल है। सही। तो ये तमाम के तमाम सारा प्रोग्रेस आपके ठीक है के अब, तो गाइस आपको इस रूम के प्रोग्रेस दिखा दिए, आपको ये पैर भी दिखा देता हूँ। अच्छा अभी भी बर्ड हैं, ये भी दिखाते हैं इनके भी माशाल्लाह चिक्स वगैरह, ये तकरीबन सेल्फ होने के करीब है, जिसमें से क्रिमिनो है, स्टेबल है, और अल्बाइनो रेड आइज है, और अपना पार्लू पेस्ट चली है। अच्छा माशा ये भी बच्चे तकरीबन सेल्फ हो चुके हैं, तकरीबन सेल्फ होने के करीब है। अच्छा अरसलान भाई, कुछ लोग कहते कि क्रिमिनो का रेट गिर गया, अल्बाइनो रेड आइज का रेट गिर गया, आप यकीन करोगे मैंने 31,000 में अभी मेरे पास क्रिमिनो का बुकिंग है मौजूद है, 31,000 रुपये में खाली क्रिमिनो का है। उसका रीज़न ये है कि जो बंदे मुझसे बस लेके जाते ना वो मुतमइन होकर लेके जाते, क्योंकि मैंने पीछे जो माँ बाप उनके ना पूरा हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, जो पहले क्लच में माशाल्लाह 4-5 बच्चे दे रहे, और बच्चों को फीमेल फीड ऐसी करा कि जैसे 3 साल पुरानी हो, और माशाल्लाह उसका फर्स्ट क्लच चल रहा है।
माशाल्लाह से प्रोग्रेस अभी आपको दिखाई, व्यूअर्स को नजर आ रहा होगा कि चिक्स वगैरह की ग्रोथ कैसी चल रही है। तो गाइस ये जो रूम था ये आपको पूरा दिखा दिया प्रोग्रेस वगैरह कैसी थी। अब चलते हैं दूसरे वाले रूम पर, वहाँ भी जो है कमर्शियल बर्ड्स लगे हुए हैं। जी आदिल भाई यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं, यहाँ पे टोटल कितने पेड़ आपने लगाए हुए? यहाँ पे तकरीबन कोई 35 के करीब पेड़ यहाँ पे लगा, 35 के अबव पेड़ है। तो आपको 61 नंबर का प्रोग्रेस दिखा देते हैं आप चेक कर। अच्छा जी यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर। माशाल्लाह से यहाँ पे जो है डेकिनो के बच्चे निकले हुए। जी डेकिनो के बच्चे निकले हुए यहाँ पर भाई, तकरीबन 10 फेदर में बच्चे आए थे माशाल्लाह से। और जो दाना वगैरह वो मेरा भाई डालते हैं, बाकी जो सफाई वगैरह हो गए वो इसके लिए मैंने लेबर रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अच्छा जी माशाल्लाह से यहाँ भी जो है दो स्ट्रीमो निकले हुए हैं और एक अल्बाइनो ब्लैक ही निकला हुआ है। ठीक है माशाल्लाह से इनकी भी ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। बाकी आपको ये पेयर दिखा देते हैं, मते का पेयर है ये भी। माशाल्लाह से यहाँ भी बच्चे निकले हुए हैं डेकिनो क्रिमिनो अल्बाइनो रेड आई। तकरीबन आपने ज्यादातर कमर्शियल बर्ड्स लगाए हैं अपने पास? तकरीबन कमर्शियल बर्ड्स मैंने लगाए हुए हैं। ये आपको एक शेर और मते का दिखा देते हैं भी। माशाल्लाह से यहाँ भी जो है तीन बच्चे ये रहे और एक बच्चा ये रहा। एक बच्चा ये रहे, चार चार बच्चे से माशाल्लाह यहाँ चार बच्चे एवरेज माशाल्लाह। और ये भी क्रिमिनो कंफर्म हो गया, येलो पर आ रहे माशाल्लाह। सही। अच्छा इसका जो केज साइज है वो आप क्या बताते? केज साइज क्या है इसका? केज साइज इसका 15 इंच इसका फ्रंट है, 2.5 फीट इसका डीप है और 16 इंच अच्छी ब्रीड आ रही है। आपको ऊपर वाले खाने खाली है? ये मैंने चेक के लिए खाली छोड़े। अच्छा बच्चे वगैरह यहाँ रखे हैं? बच्चों के लिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है बाकी। अच्छा जी माशाल्लाह यहाँ भी फीमेल बैठी हुई है, माशाल्लाह इसकी भी हैचिंग स्टार्ट हो गई। दो बच्चे निकले हुए, दो बच्चे निकले तमाम के तमाम एक फर्टाइल और पहले क्लच के यंग पट्टे जवान हुए मेरे। ठीक है माशाल्लाह देखिए पेयर जो फर्स्ट बीट कर रहे हैं और सारे के सारे एग इसमें फर्टाइल करें और माशाल्लाह बच्चों को फीड भी करवा रहा है। और एक पेयर अरसलान भाई ये रहे, एक पेयर ये रहे। माशाल्लाह से यहाँ भी जो है अच्छे बच्चे निकले हुए, रेड ही बच्चे हैं ब्लैक ही बच्चे हैं। यहाँ भी डेकिनो क्रीम में बच्चे होंगे ये भी? जी ये भी डेकिनो होंगे, रेड टू ब्लैक यहाँ पे लगा हुआ है। सही। सबूत के तो आपको एक सबूत के तौर पे और भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पे अकेले फीमेल तीन तीन चार चार बच्चे खुद पाल रही है। चले जी माशाल्लाह ये भी दिखाते हैं। मतलब ये कि इंसान माशाल्लाह जब बर्ड्स को रखता है ब्रीड लेता है तो बहुत सारी चीजें जो है पता चलती हैं। चार चार बच्चे अकेले, इसका अकेले ये बता रहे थे कि ये जब फीमेल एग्स करती है तो इसका मेल एक्सपायर हो गया था, मेल अचानक एक्सपायर हो गया, अटैक आ गया था उसके ऊपर। तो जैसे ही पहला एग्स आया तो मेल एक्सपायर हो गए। माशाल्लाह पांच के पांच अंडे, पांच के पांच फर्टाइल, तो पांच के पांच में से बच्चे निकल गए। एक बच्चा मैंने बड़ा पोस्टर कर दिया ताकि छोटा वाला एक्सपायर ना हो जाए। सही माशाल्लाह ये भी अकेली फीमेल जो है चार बच्चों को, अकेले फीमेल है, अकेले अकेली फीमेल है। सही माशाल्लाह ये डेकिनो की फीमेल है? जी डेकिनो की फीमेल। आपको माशाल्लाह बीट वगैरह तो दिखाई, जो चिक्स वगैरह निकले हुए थे, बाकी आपको एग्स भी दिखा दें किन किन पेड़ के एग्स अभी आए हुए हैं। ये रहे एग्स आए हुए हैं। अच्छा जी यहाँ पर माशाल्लाह के एग्स आए हुए हैं, ये भी डेकिनो क्रिमिनो का पेड़ है? नहीं डेकिनो और अल्बाइनो का पेड़, अल्बाइनो रेड का पेड़ है। फीमेल थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई। सही माशाल्लाह से यहाँ पे तीन एग्स आए हुए जी, अभी मजीद लेंग कर रही है एग्स। सही। माशाल्लाह यहाँ पे भी एग्स वगैरह, माशाल्लाह यहाँ भी जो है क्रिमिनो और अल्बाइनो का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ भी एग्स आए हुए चार चार पाँच पाँच एग्स यहाँ पे भी आए। सही ये पांच पांच एक यहाँ पे मौजूद है, मजीद लेंग कर रही है। सही चले जी यहाँ पे एक और पेड़ है जिसके एग टाइप है, माशाल्लाह यहाँ भी जो चार एग टाइप है ये मजीद लेंग कर रही है। पांच पांच अभी दे रही है। अच्छा जितने भी एग आते हैं नंबरिंग आप कर देते हैं? जी नंबरिंग मैं करता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन सा अंडा फर्टाइल हो रहा है, कौन सा फर्टाइल नहीं हो रहा है। और कुछ ये रहे इसके अंदर भी एग वगैरह आए हुए माशाल्लाह से यहाँ भी मैं कहती
अल्बाइनो रेड है इसकी फीमेल। अच्छा, थोड़ी सी मोल्ड पर आ गई थी फीमेल। नहीं, मोल्ड पर नहीं आई, इसका जो मेल है उसका ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी एवरेज बहुत अच्छी है, बच्चों की रेशियो बहुत अच्छी है, जितने अंडे सारे के सारे पाल अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे खुद बहुत अच्छे पालती है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये मतलब ये कि मेल जो है इसके पर नोस है, लेकिन ब्रीड अच्छी करती है। ब्रीड अच्छी करती है, सही। तो ये शेर है माशाल्लाह, इसके भी बच्चे वगैरह हैं माशाल्लाह, यहाँ भी चिक्स आए हैं। तो ये पोस्टर रखने का मकसद यही है कि जिसके पास पांच पांच बच्चे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि या तो आखिरी बच्चा मैं पोस्टर कर दूँ, या अगर कहीं जगह मिल रहा है तो पहला बच्चा मैं पोस्टर कर दूँ, ताकि बच्चे एक्सपायर ना हो जाए। सही। अच्छा जी, ये वाले बर्ड्स जो थे आपको सारे दिखा दिए, आप एक तरफ चलते जहाँ पे अपने लास्ट सीजन में अपने चिक्स रोके थे जो पॉसिबल ब्लूटूथ है। जी ये रहे, ये माशाल्लाह कन्फर्म ब्लूटूथ निकल गया माशाल्लाह, यहाँ पे जो इनके पास कन्फर्म ब्लूटूथ निकला है। रेट टू रेट के पांच बच्चे इसने अरसलान भाई दिए, पांच के पांच इसके ये क्रीमिनो थे, और वो बच्चे मैंने पोस्टर कर दिए, और अभी मदीर इनको भी मैं पोस्टर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा भी ब्लूटूथ कंफर्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लूटूथ को आपस में लगाऊं, ताकि हर आने वाला बच्चा मेरे पास ब्लूटूथ कन्फर्म ब्लूटूथ हो। ठीक है माशाल्लाह, सही है। इनने फर्स्ट ब्रीड करी, पांच बच्चे निकाले, पाँचों के पाँचों क्रीमिनो माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, पाँचों के पाँचों क्रीमिनो हो गए। बाकी ब्लूटूथ की खासियत ही एक बात है, ब्लूटूथ जो इतनी महंगा है। मैं लोगों को बता दूं, मेरे पास माशाल्लाह समझो कोई 100 के करीब पेयर लगा हुआ है, क्रीमिनो भी है डेकिनो भी है, लेकिन जहां आपके पास पांच पेयर लगा हुआ है ब्लूटूथ का, और मेरे 50 पेयर लगा हुआ है, तो वो पांच ब्लूटूथ 50 पेयर का मुकाबला करते हैं, वो ब्लूटूथ आपको अच्छी प्रोग्रेस देगा। हाँ। क्योंकि हर आने वाला बच्चा कन्फर्म क्रीमिनो है, हर आने वाला बच्चा कन्फर्म डेकिनो है। सही। और इस वजह से बर्ड की प्राइस थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा है बिल्कुल, अगर कोई मुझे ब्लूटूथ का अभी इस टाइम 2 लाख भी दे तो मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। सही। मैं सेल इसे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह पहले क्लच में मुझे एक क्लच में आपके पूरे पैसे पूरे पैसे कवर हो गए, तो मैं एक ब्लूटूथ को 2 लाख में भी ना दूँ, क्योंकि मैं इनको आपस में खुद लगा रहा हूँ, ताकि आने वाले साल में माशाल्लाह भी कुछ आठ दिन में बच्चे हेच होने वाले, और कुछ के माशाल्लाह एग्स वगैरह आ गए। बाकी आपको ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फॉस्टर पेड़ आपने लगाए हैं। ये मैंने फॉस्टर पेड़ लगाए हुए हैं, फिशर का पेड़ है ये, और ये ये अपना ये है। आप क्वालिटी चेक करें अरसलान भाई, ये वही है पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल सेल हो पॉसिबल डाइल्यूट है, ये उन्हीं के ही बच्चे मैंने पोस्टर किया हुआ है माशाल्लाह। तो बच्चे की आप साइज देखिए, बच्चे का क्वालिटी फीडर आप चेक कर ले, ग्रेनिश आप चेक कर ले, पेल पेलो का कलर आप चेक कर ले, हेड का कलर चेक कर ले आप। सही माशाल्लाह, ये माशाल्लाह से निकला है, स्प्लिट पेल पेलो है, स्प्लिट डाइल्यूट है, ये आप माशाल्लाह, ये आप चेक कर ले माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पे जो है डेकिनो आया हुआ है, हालांकि ये सेल्फ नहीं है, इसमें सेल्फ होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ चेक कर ले, आप शेप चेक कर ले माशाल्लाह। तो यहाँ भी तकरीबन बच्चे सेल्फ करिए, फिशर का ये पेयर है और ये फॉस्टर पेयर। मदे की बात बताऊं और सलमान भाई, मेरे पास ग्रीन फिशर भी डीएनए के साथ लगा हुआ है। सही। मैं ग्रीन फिशर के भी डीएनए करा रहा हूं, यहां पे सारे फॉस्टर पेयर आपने लगाए हुए, ये सारे फॉस्टर पेयर से, यहाँ पे भी फॉस्टर पेयर है अरसलान भाई, ये रहे। अच्छा, यहाँ भी बच्चे फॉस्टर हुए थे, ये रहे, यहाँ पे चार चार पांच पांच बच्चों की माशाल्लाह एवरेज आ रही है। ये है, या तो ये पार ब्लू ऑफलाइन पेल सेल हो स्प्लिट डाइल्यूट है, या तो ये ब्लू ऑफलाइन पेल सेल हो। सही। ये उन्हीं के पार ब्लू पार ब्लूटू में से निकला हुआ, जैसे मैंने कहा था ना, मैंने आपको मैंने एक्स वगैरह फोस्टर कर दिया उनके, तो ये एक उन्हीं का ही बच्चा है। सही माशाल्लाह, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, पता लग जाएगा। हाँ, ये माशाल्लाह अभी देखे, ये अभी लाख बच्चा हेच हुआ है। मैं कहने का मकसद ये लाख बच्चा अगर मैंने छोड़ दिया कोने में तो ये दब जाएगा, इसके नीचे एक्सपायर हो जाएगा। ये रहा लाख बच्चा। हाँ, ये आप अभी हटा लेंगे, इसको फॉस्टर कर देंगे। ये देखे कितना फर्क है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है, ना तो इसको प्रॉपर फीड मिलेगा और ये एंड ऑफ द डे ये एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं अभी कोशिश करूंगा, बड़ा तो नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि तीन के तीन बड़े मौजूद है यहाँ पे। तो ये वाला जो ऐसी साइज का बच्चा अगर कहीं पर होगा, फॉस्टर कर दूंगा। यूनस, इनको फॉस्टर कर दें।
चलो जी देखिए इस तरीके से बच्चे जो फॉसिल होते हैं, ये क्रिमिनो टू अपना अल्बाइनो रेडाइस का बच्चा निकला हुआ जी। इसको कहीं देखे, इसको फोस्टर कर दे, ये इसके नीचे अभी तकरीबन मुझे लगता है सुबह ही हैच होगा। ये भी हैच हुआ बच्चा जी, अभी कहीं ना कहीं जगह बना के इनके जो भाई हैं फॉस्टर कर देंगे। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये रहे, ये दिखा दे, उन्हीं के दो बच्चे यहाँ पे मैंने फोस्टर किए थे, ये रहे, फीमेल ने दोबारा एक लिंग कर दिए। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे बच्चे भी सेल्फ के करीब हैं, डाइल्यूट बच्चे हैं? नहीं, ये स्प्लिट पेल फेल है, उन्हीं के पार्वू पार्वू टू पार्वू में से निकला हुआ जो पॉसिबल डाइल्यूट है, ये स्प्लिट पेल फेल हुए पार अपना ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल फेल हुई है, और ये रहे वो वायलेट में। अच्छा कट कर देगा, ये डाइल्यूट नहीं है? नहीं, ये डाइल्यूट। अच्छा जो वापस से बनेंगे ये रहे, यहाँ पे कौन से चिक्स निकले हुए? यहाँ पे जो पार ब्लू था अपना, पार ब्लू पेल फेल होता और पॉसिबल डायलूट का था, उनके ये दो बच्चे निकले हुए, दो बच्चे ये रहे, एक बच्चा वो रहे पोस्टर किया हुआ है, और तीसरा बच्चा मैंने जो आपको पार ब्लू दिखा है ना, ये वही बच्चा है। इनके माशाल्लाह चार एक साइड है जिसमें से एक विजुअल है और तीन स्प्लिट निकल गए। ये स्प्लिट पेल फेल हुए और पॉसिबल ब्लूटूथ भी है क्योंकि पार ब्लू टू पार ब्लू में निकला निकले में। ठीक है, आपको सारे बर्ड्स की प्रोग्रेस दिखाई, इसके पीछे राज क्या, सॉफ्टवुड वगैरह क्या देते हैं वो पूछ रहे हैं। सॉफ्टवुड में माशाल्लाह की साजा चीजें आप अभी जो अपने बर्ड्स को देने लगे हैं तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर थोड़ा सा बताएं। जिसमें से सबसे पहले सोख सीधे, जिसमें से काले चना हो गए, सूखा हुआ मटर हो गया, काबा फेंसी दाल हो गया, मूसी दाल हो गया, कटा हुआ मकई हो गया, इसमें गंदम हो गया, इसमें ये भी दे, और बाकी ये बॉयल्ड एग्स वगैरह हो गए। सही, बॉयल्ड एग्स भी है इसके अंदर। ये एग एंड बिस्किट हो गए, बेटा ये मिक्स करें, आप मिक्स करें। सबसे पहले हमारे पास आएगा 200 ग्राम एग एंड बिस्किट। ठीक है, एग एंड बिस्किट आ गया, 200 ग्राम एग एंड बिस्किट आ गया। समसा समसा ठीक है जी, ये बॉयल्ड एग भी यहाँ पे रखे हुए जी। सबसे पहले बॉयल्ड एग के ऊपर हमारे पास आ गए गुड़ वाला, वो भी सही, ये 5 ml गुड़ वाला आ गया इसके ऊपर, गुड़ वाला आ गया। ये इसके अंदर डालने का मकसद ये है कि सूजन ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। सही, ये इसी तरीके से मिक्स करना है आपको, इसमें फिर आपको डालना है। ये आ गए इसके अंदर, अभी सबसे पहले हमें मिक्स कर देना है, प्रॉपर मिक्स करना है ताकि एक दाने को तेल भी लगे और जो एग एंड बिस्किट है ना वो थोड़े से फूल जाए ताकि इसको थोड़ा सा नमी मिले। सही, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेडिसिन। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डी न्यूट्रिकल। सबसे पहले आपको जो है इसमें डी न्यूट्रिकल डालना है। अच्छा कितने ग्राम आप डाले? ये 13 ग्राम इसमें डी न्यूट्रिकल आएगा, 13 ग्राम आएगा। ठीक है, ये 5 ग्राम के स्पून है, 5 ग्राम के स्पून है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया सोलिविट डी ब्रीडर 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम सोलिविट डी ब्रीडर आ गया। ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया बम्बारो, जो सबसे मेन चीज है, ये समझो के रेडाई बच्चे के लिए बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज है, इससे आला चीज मुझे आज तक 2 साल में दिखाई नहीं मिली। बम्बारो बहुत अच्छे रेडे थे, आउटसाइड ठीक है, 1 ग्राम का प्रोटीन लेवल 62% है, जो अभी तकरीबन कोई हमारा 1300-1400 ग्राम तो फूड वगैरह वो इसमें जाएगा तकरीबन 10 ग्राम हमारे पास आ गया बम्बारो। उसके बाद आ गए हमारे पास इम्पोर्टेड हर्ब से, अच्छा जी हर्ब्स आ गए जो सारे इम्पोर्टेड हर्ब मेड इन यूके के लिए, 10 ग्राम हमारे पास हर्ब्स आ गए। उसके बाद आ गए शेरदीना, 3 ग्राम शेरदीना आ गए इसके अंदर। उसके बाद आ गया मुरिंगा पाउडर 3 ग्राम, गाइस इसके अंदर तकरीबन सारी चीजें मिक्स अभी होंगी, अभी एग और एग एंड बिस्किट में डाले जो कि मिक्स सीड हम जो सोक कहते हैं, वो सारा आपको जो है पूरा दिन पानी के अंदर रख कर इसको थोड़ा सा सुखाना है, ड्राई करना है, उसके बाद आपने बर्ड्स को देना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ गई है, ये भी सब चीज़ें मिक्स होकर फिर जाएंगी बर्ड्स के पास और बर्ड्स अपने बच्चों को फीड करवाएंगे। इस वजह से माशाल्लाह से रेडे का जो सर्वाइवल रेशियो उनके पास काफ़ी अच्छा आ रहा है और बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी आ रही है, सर्वाइवल भी अच्छा रहा है, प्लस एक रेशियो भी अच्छी आ रही है, प्लस बच्चों को फीड अच्छा कर रहा है। ये स्किन बायोटिक से, अच्छा जी, 4 ग्राम जाएगा इसके अंदर। अभी हम तमाम के मेडिकल प्रॉब्लम को मिक्स कर देते हैं। सही,
जब जितनी भी सारी मेडिसिन थी वो सब की सब जो है सॉफ्ट फूड में भी मिक्स हो जाएगी। हर एक जितने भी इसके अंदर तमाम के तमाम बॉयल्स है कि हर एक के ऊपर मेडिसिन लग जाएगा। अगर मेरे बर्थ में एक एक भी एक खा लिया तो समझे जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ ना वो मैंने पूरा कर दिया उनको। सही मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ठीक उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास गाजर। अच्छा जी यहाँ पे गाजर तकरीबन मैं कोई दो साल से यही यूज करता हूँ ग्रीन में, गाजर और पालक, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पालक, तकरीबन ये कोई 200 ग्राम पालक। सही, ये डेली आप यूज करवा रहे हैं? जिस दिन डब्बा लग गया और आखिरी डब्बे तक यही यूज करेगा। सही, इसको अभी हम लोगों ने प्रॉपर मिक्स करना है। पालक के जैसे पालक के पटेले भी देखिए आप ये बने। अगर इसके नीचे कोई एक बिस्किट रहेगा ये सारा बस सब मिक्स हो जाएगा। ये सारा तो जरूरी है, उसके साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी सॉफ्ट फूड में? नहीं ये सॉफ्ट फूड में नहीं, ये मैं हफ्ते में 2 दिन बर्थ को देता हूँ पानी के अंदर मिलाकर। जिसके साथ बच्चे उनको हफ्ते में 2 दिन देता हूँ, जिसके बाद एक वगैरह उनको हफ्ते में 1 दिन देता हूँ। रेड आई बच्चा 2 बजे से ही मरता है, या तो उनको फीड ना कराना उस वजह से या फीड करा के डाइजेस्ट नहीं करना। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, ये 1 लीटर में 500। ठीक है ये सारी चीज़ें। अच्छा आपके सॉफ्ट फूड रेडी हो चुका है? जी अभी सॉफ्ट फूड रेडी हो चुका है, बस खाली सर्व करने का रेडी है। चले जी ये सॉफ्ट फूड रेडी हो चुका है, आप बर्ड्स को देते हैं और बर्ड्स देखते हैं किस तरीके से खाते हैं। अब ये कि बर्ड्स को सॉफ्ट फूड मिलने लगा है जिसके साथ 4 बच्चे हो, 1 स्पून और ये 1/2 स्पून ये उनके लिए इनफ है। ठीक है आप चेक करें ये खाली बर्ड रखने का दे दीजिए। आप जिसके साथ बच्चे ना हो उनके लिए 1 स्पून ये देखिए माशाल्लाह से अभी सॉफ्ट फूड इन बर्ड को मिला है और फौरन से पेड़ जो है सॉफ्ट फूड पर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह इन बर्ड्स को सॉफ्ट फूड मिल चुका है और सारे के सारे आपको पेड़ दिख रहा होगा, सारे के सारे जो है सॉफ्ट फूड पे माशाल्लाह से आ गए। ये था आदिल भाई का सेटअप, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आदिल भाई वीडियो के एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है तकरीबन कुछ बस उसमें से मेरे पास बुकिंग है, अगर आप के लिए तो मैं मतलब जो भी कमर्शियल बर्ड्स हैं पेल फेलो से रिलेटेड हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।